नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 11 वर्सेस Xiaomi Redmi Note 11T 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 11 में 6.47 इंच जबकि Note 11T 5G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Note 11 से कम है। विड्थ की बात करें तो Note 11 में 3.02 इंच जबकि Note 11T 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 11 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Note 11 में 0.31 इंच जबकि Note 11T 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Note 11 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 11 में 184.5 ग्राम्स जबकि Note 11T 5G में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Note 11 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 11 में AMOLED जबकि Note 11T 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 11 में 6.7 इंचेस जबकि Note 11T 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 11 में 86.06% जबकि Note 11T 5G में 84.85% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 11 में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 11T 5G में 399 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 11 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Note 11T 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 11 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Note 11T 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीक के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 11 में Mali-G52 MC2 जबकि Note 11T 5G में Mali-G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 11 में MediaTek Helio G88 और Note 11T 5G में MediaTek Dimensity 810 MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 11 में 4GB की RAM मिलती है, जबकि Note 11T 5G में 0 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 11 में 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Note 11T 5G में 0 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 11 में अप टू 512GB जबकि Note 11T 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 11 में 2 कलर्स जबकि Note 11T 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 11 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Note 11T 5G की तो वो 16,999 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। दो इन्फिनिक्स नोट 11 में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें शाओमी रेडमी नोट 11T 5G की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 11 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में नोट 11T 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Realme 7 है, तीसरा Vivo Y20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A53 2020 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।